हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट नाउ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान में जो ब्लॉक वेबसाइट हैं उन वेबसाइट्स को किस तरह से ओपन कर सकते हैं या अनब्लॉक कर सकते हैं, और इन वेबसाइट को हम बगैर किसी प्रॉक्सी, बगैर किसी सॉफ्टवेयर और बगैर किसी एक्सटेंशन के अनब्लॉक करेंगे। तो हम सिंपल एक ट्रिक यूज़ करेंगे, हम गूगल के सर्वर को ही यूज़ करते हुए एक ट्रिक की मदद से इस वेबसाइट्स को ओपन कर लेंगे जो भी वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला जो है आइकॉन उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को फीचर को इनेबल कर दीजिए ताकि हमारे नई वीडियो आप पहले देख सकें, और कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखें कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है। तो ये वैसे ही मैंने गूगल पे जनरल सर्च किया है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी वेबसाइट बंद है। आपको हो सकता है कि पता हो कौन कौन सी बंद हैं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जो मैं यूज़ नहीं करता लेकिन वो पाकिस्तान ब्लॉक हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ वेबसाइट देख लेते हैं। देखें, जैसे लिस्ट है, हम इस वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। चलिए पहली करके देख लेते हैं। तो देखें कि ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, कि पीटीए की तरफ से बंद है। देखें पाकिस्तान में ये इसकी जो है वो बंद है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अब इसको किस तरह से ओपन करेंगे। ये लिंक है, इसमें जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक को जो है एड फ्लैग की लिंक होगी वहाँ से आप इसको स्किप करेंगे और आपके पास ये लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप इस लिंक को हासिल कर सकते हैं। जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की यही फाइल जो है मैं वो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, अपलोड आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या यहाँ से देखकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस जो है पूरे लिंक को कंट्रोल ऑल्ट से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी वेबसाइट ओपन करनी है किसी भी तरह की, आप उसका यूआरएल कॉपी करेंगे। देखिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आके जो HTTP तक है वहाँ तक हम इसको जो है डल कर देंगे और यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे। ये याद रखिएगा कि आपने HTTP:// और पूरी वेबसाइट लिखनी है, ठीक है। इस लिखने के बाद आप सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही हमने इंटर किया, बगैर किसी वेट के, बगैर किसी कनेक्शन स्लो हुए, ये जो हमारी वेबसाइट है ओपन हो गई है। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, कोई और भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो है इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ से आप इसको जो है व्यू ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो जो है इसकी है वो जो ऑल लैंग्वेज में है वो आपको उसी लैंग्वेज में शो होगी, लेकिन हम जैसा कि मैंने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।